विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें हम राष्ट्रपति पर थे। राष्ट्रपति के मैंने आपको क्या मतगणना इलेक्शन वगैरह ये सब बता दिया है। अब जो हम चल रहे हैं राष्ट्रपति की पदावधि, अगले आर्टिकल पर चल रहे हैं। तो आर्टिकल 56 टर्म एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है। आर्टिकल 56 इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा, किंतु वह 5 वर्ष पूर्व कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। यह याद रखना थोड़ा सा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराए। क्या कराए? तुरंत उसको किसको बताना पड़ेगा? लोकसभा अध्यक्ष को, कि महामहिम ने त्याग पत्र दे दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। राष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि 5 साल के लिए चुन लिया तो बस राष्ट्रपति कुछ भी करे। अगर उन्होंने क्या कर दिया, असंवैधानिक कार्य कर दिया, संविधान का अतिक्रमण कर दिया, है ना, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने पर संविधान का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। आप बोलोगे जब राष्ट्रपति संविधान का वायोलेशन अतिक्रमण करता है या क्या असंवैधानिक कार्य करता है, तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। क्या दी गई है? 61 को खास याद रखना है आपने। इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, महाभियोग। अभियोग समझते हो? अभियोग, अभियोग तो बड़े आदमी पर महाभियोग, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्या महाभियोग चलाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया कहां पर है? 61 में है। इसका मैंने आपको बता रखा फॉर्मूला कि 61 में कैसे होता है। क्या बताया था मैंने? ईदर ऑफ द हाउस, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। देखो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो किसी भी सदन में, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना तो राज्यसभा में शुरू होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने वाला जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में शुरू नहीं होती, पहले कहाँ होती है? राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अगर उन्होंने असंवैधानिक कार्य कर दिया तो किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, माना लोकसभा में शुरू होती है। 1/4 सदस्य एक शपथ पत्र बनाएंगे, सॉरी संकल्प पत्र। क्या बनाएंगे? संकल्प पत्र पर 1/4 लोग क्या करेंगे? साइन करेंगे, बताएंगे उसमें महामहिम ने ये असंवैधानिक कार्य किया है, हम इन पर क्या कर रहे हैं, महाभियोग लगाना चाह रहे हैं। 1/4 उस सदन के 1/1/4 सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचना देनी पड़ेगी कि महामहिम 14 दिन बाद आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलनी है लोकसभा में। माना 14 दिन बाद अगर वो 2/3 बहुमत से क्या हो जाता है? पास हो जाता है, ठीक है। दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में या तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से क्या करेगा? पैरवी करेगा, ठीक। अगर फिर भी वो 2/3 बहुमत से क्या होता है? संकल्प पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ। किसमें? 61 में लिखा हुआ, ठीक है। अब अगली लाइन 56(1)(ग), 56(1)(c), 56(1)(c) के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी या नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक है। लिखा हुआ हमने 5 साल, लेकिन साथ में 56(1)(c) में यह लिखा हुआ जब तक अगला राष्ट्रपति गद्दी नहीं संभाल, मतलब चेयर नहीं संभाल लेता, तब तक वो 5 साल के बाद भी तब तक वो बना रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है, परिस्थिति आ जाए देश में ऐसी, ठीक है। तो इस स्थिति में, अच्छा क्या है, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। किस स्थिति में? जब ये वाली स्थिति होती है। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल हो गया महामहिम आप जाओ, अरे भैया जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं बैठ जाता तब तक पहला वाला राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि महामहिम आपके 5 साल पूरे हो गए अब आप जाओ, अब उपराष्ट्रपति बैठेंगे। उपराष्ट्रपति यहां पर नहीं बैठता है, उपराष्ट्रपति अन्य समय में बैठता है, वो बता दूंगा मैं कैसे कैसे। अच्छा जी, संविधान में यह उपबंध पद रिक्ति की स्थिति में शासनांतरण से बचने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को का कर्तव्य है कि तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे, ताकि सदन को भी पता चल जाए कि भाई महामहिम ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिए। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति, जब आर्टिकल 62 पढ़ते हैं वहां पर बता रखा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो तब क्या होगा। ठीक है, तो 62 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान आर्टिकल 62 में है। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। ये पता है, 5 साल का टेन्योर पूरा होने से पहले पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। एक तो ये याद रखना है आपने, ऐसा नहीं होता कि 5 साल पूरे हो गए तब चुनाव करा रहे, चुनाव पहले ही हो जाएंगे। अगला राष्ट्रपति तैयार रहता है पहले से, ये गद्दी छोड़ी दूसरा उसमें, गद्दी मतलब चेयर। ठीक है, यह प्रावधान आज्ञापक यानी मैंडेटरी स्वरूप का है। क्या है? आज्ञा मतलब करना ही करना है। राष्ट्रपति का पद पूरा, कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए और यह मैंडेटरी है। इसे री प्रेसिडेंशियल पोल 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। काश कि हमारा माननीय उच्च न्यायालय भी ये बोल देता कि पीसीएस के पेपर मैंडेटरी हैं, हर साल पद आएंगे आएंगे, चाहे एक आए, पर एक बार में, एक साल में प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कुछ करो, जनहित याचिका डालो, क्या डालो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालो भाई, 4-4 साल 5-5 साल लिए जा रहे हैं यहां पर। चलो, 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने बता दिया आपको, यह प्रावधान आर्टिकल 56(1)(c) के अधीन है, अर्थात राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी अपना पद, उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इतना समझ में आ गया? यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, क्या मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, वो अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। मैंने कहा था वहां पे कि राष्ट्रपति 5 साल बाद हटाते नहीं है, ऐसे नहीं बोलते कि महामहिम 5 साल हो गया, हटो, अब उपराष्ट्रपति बैठेगा यहाँ पर। साथ में एक शब्द मैंने बोला था कि यह उपबंध शासनांतरण से बचने के लिए, रिक्ति की स्थिति में शासनांतरण, शासन का अंतरण, ट्रांसफर, अंतरण बोलते हैं ट्रांसफर को, शासनांतरण से बचने के लिए किया गया है। कौन सा प्रावधान? माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि राष्ट्रपति का चुनाव, अगले राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में ये किस आर्टिकल के अधीन है? 56(1)(c) के अधीन है। और 56(1)(c) में क्या कह रखा है? 5 साल के बाद भी वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो जी, तो ये 3 चीजें पढ़नी है आपने। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति ने कोई असंवैधानिक कार्य किया और उस पर महाभियोग चलाकर उसको हटा दिया गया, तब क्या होगा? तब उपराष्ट्रपति सवाल लेगा और उसको उस पद को भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्यावधि चुनाव द्वारा निर्वाचित नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। क्या करता है? ऐसा नहीं होगा, माना राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, भगवान ना करे कोई राष्ट्रपति 2 साल बाद उनकी या तो मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देते हैं 2 साल बाद, या 2 साल बाद उन पर महाभियोग लग जाता है, तो यार उनके 3 साल बचे हुए थे, अब 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब जो नया राष्ट्रपति होगा क्या वो खाली 2.5 साल के लिए बैठेगा? नहीं, 5 साल के लिए बैठेगा पूरे। कितने के लिए? जब हम पंचायत पढ़ रहे होंगे ना, वहां पर अलग पढ़ते हैं हम, पंचायत जब हम पढ़ रहे होंगे तब वहां पर अलग पढ़ेंगे, पार्ट 9 जब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति का मामला है, यहाँ पर 2 साल बाद अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उनको हटा दिया जाता है, तो 6 माह के अंदर अंदर एक तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, और जो इस प्रकार नया निर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो अपने पूरे टर्म यानी 5 साल के लिए क्या होगा, समझ में आ गया, अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से यानी मृत्यु, त्याग पत्र, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। यहां बता दूं मैं कि यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा, उस पद को संभालेगा। और ऐसा हुआ है मोहम्मद हिदायतुल्ला ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कभी, वो क्या हुए थे, राष्ट्रपति के पद पर बैठे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया था, कार्य किया था। इतना समझ में आ गया भाई, इतना समझ में आ गया। अब अगली प्रक्रिया है शपथ और प्रतिज्ञा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, क्या हो गई थी, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे, क्या थे, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने पद संभाला राष्ट्रपति का, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। तब तक क्या हुआ कि 6 महीने अब इलेक्शन कराने थे 6 महीने के अंदर, और उस समय तक राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद को लाभ का पद माना जाता था, क्या माना जाता था, इसलिए वीवी गिरी ने भी त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो अब क्या हुआ, ना राष्ट्रपति रहा देश में ना उपराष्ट्रपति रहा, तो फिर किसको बुलाना पड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला को बुलाना पड़ा, किसको बुलाना पड़ा, मोहम्मद हिदायतुल्ला को बुलाना पड़ा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक वो जुड़ गया कि क्या, मोहम्मद हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है, कार्य किया है, कब, 1969, ज्यादा नहीं रहे, 20 जुलाई से 24 अगस्त तक रहे, जुलाई अगस्त, है ना, पर नाम तो हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर हो गया। भाग्यम फलति सर्वथा न विद्या न च पौरुषं, भाग्य भी होता है थोड़ा बहुत 1%। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, भैया राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, इसमें नहीं है, अनुसूची 3 जब 3rd शेड्यूल में जाओगे आप तो वहां पर बहुत सारे लोगों की शपथ मिलेगी आपको, सांसदों की मिलेगी, विधायकों की मिलेगी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मिलेगी आपको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मिलेगी, मिलेगी कैग की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति का अलग आर्टिकल है 60, कौन सा 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है, तो आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राष्ट्रपति क्या बोलते हैं शपथ में, वो श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदी कर्तव्यों का पालन करूंगा, ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदी कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरा बोलते हैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, कि राष्ट्रपति की शपथ अन्य शपथों से, अन्य लोगों की शपथ से किस प्रकार अलग है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो संविधान और विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के परिरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण यानी प्रोटेक्ट, और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड की शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं। तीसरा वो बोलते हैं भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा, क्या रहूंगा, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये 3 चीजें याद करनी है आपने, एक श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, दूसरा संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और तीसरा बोलते हैं भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा, ठीक है। जब कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन करता है तो उसे भी इसी प्रकार की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। कार्यवाहक भी होगा तो उसको पहले शपथ लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, इसके सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं, अनुसूची 3 में नहीं, किसमें दिया गया, आर्टिकल 60 में।
और उपराष्ट्रपति की शपथ कहां दे रखी है? आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 में दे रखी है। इसमें अब राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते, द इमालुमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, इमालुमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या है? आर्टिकल 59(3), आर्टिकल 59(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति भवन सुना है, दिल्ली में रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, उस पर रायसीन की पहाड़ियों पर बना हुआ है। रायसीन की पहाड़ियां अरावली का ही विस्तार है, अरावली राजस्थान में, सुना होगा आपने, संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है उन्हें, ठीक है। तो रायसीना हिल्स पर जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर रहते हैं राष्ट्रपति, और बिना किराया दिए रहते हैं भाई। किराया देंगे तो फिर तो किराया ही उनका क्या, हाँ बहुत ज्यादा होगा। दूसरा मैं समझा दूं, ये राष्ट्रपति भवन जो है ये आजादी के बाद नहीं बना, ये बना था वाइसराय हाउस था इसका नाम, पहले क्या था ये? वाइसराय के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा कि 1911 में दो घोषणाएं हुई थी, 1911 में क्या घोषणाएं हुई थी दो? एक बोला गया था बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और दूसरा बोला गया था कि भारत की, ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। तो क्या होता है, एक साल बाद 1912 में राजधानी को लॉर्ड हार्डिंग के समय में कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है। हार्डिंग पर बम भी फेंकते हैं क्रांतिकारी, ठीक है। अब दिल्ली राजधानी आ गई तो यार वाइसराय कहाँ रहेगा, तो वाइसराय के लिए हाउस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? काफी टाइम लगता है उसको बनने में, तब जाके उसमें जो पहला व्यक्ति, पहला वाइसराय जो आता है राष्ट्रपति, सॉरी वाइसराय हाउस के अंदर, वो थे कौन? लॉर्ड इरविन। कौन? ये वही इरविन है जिन्होंने, जिसका गांधी जी के साथ क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट, सुने हो? सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बाद गांधी इरविन पैक्ट याद है? हाँ वही इरविन। तो सबसे पहले कौन गया वाइसराय हाउस के अंदर? इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। आहे के लॉर्ड, लेकिन चलो कामों में लिखा है तो पढ़ लो। दूसरा बोला गया भाई, राष्ट्रपति ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक होगा जो संसद विधि द्वारा नियत करे। क्या करे? सबसे ऊंचा वेतन जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। कौन नियत करती है? संसद नियत करती है। परिलब्धियां, भत्ते, पेंशन सब राष्ट्रपति की जो होती है वो कौन करता है? संसद विधि द्वारा नियत करे। तो राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5,00,000 रुपया है। कितना? 5,00,000 रुपये महीना, 12×60 60,00,000 रुपये सालाना। कितना? और आप यकीन करोगे, जब हम छोटे थे ना, छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तब पढ़ते थे हम कि राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये होता है। कितना? तब हम लोग जब छोटे थे ये सोचते थे राष्ट्रपति करता क्या होगा 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज थी उस समय। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 1984 की बात कर रहा हूँ। 84-83 में छोटी क्लासों में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, आंसर 10,000 रुपये। आज कितना है? 5,00,000 रुपये। यानी पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है? चलो जो भी हो रही है, 5,00,000 रुपये, समझ में आ गया। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल बताया था मैंने, आर्टिकल 266 266 जब आप पढ़ेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये चीज जो लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये 112 के 3 में पढ़ेंगे आप। किसमें पढ़ेंगे? जब आप बजट पढ़ रहे होंगे, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं बजट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसके, जब 112 के किसमें जाएंगे आप? 3 में। किसमें? 112 के 3 में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं, है ना। उसमें पहली लाइन पर लिखा होगा 112 के 3 की क में लिखा होगा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, ठीक है। और भी लिखा हुआ है, और भी भारित होते हैं, पर अभी फिलहाल इतना ही याद कीजिए आप कि राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है जो आयकर से मुक्त होता है। इनकम टैक्स नहीं लगता भाई। क्या नहीं लगता? राष्ट्रपति पर इनकम टैक्स नहीं लगता है।
ठीक है, आयकर से मुक्त। राष्ट्रपति की परिलब्धियां भत्ते इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते भाई। क्या नहीं किए जा सकते? कम नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 59 के 4 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ? 59 के 4 में। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो भाई, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये 56 में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 56 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है अगर उन्होंने असंवैधानिक कार्य कर दिए। लेकिन प्रक्रिया जो दे रखी है वो 61 में दे रखी है। अधिकतर क्वेश्चन प्रक्रिया से पूछता है। आर्टिकल 61 में प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। प्रक्रिया समझते हैं कैसे लगाना है। वहां पर 56 में तो बोला कि अगर असंवैधानिक कार्य यानी वायलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का तो उनको हटाया जा सकता महाभियोग लगाकर। प्रक्रिया कैसे लगेगा वो 61 में दे रखी। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग यानी इंपीचमेंट चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा किस प्रकार की प्रक्रिया है, आंसर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूरी न्यायिक नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया न्यायालयों में चलती है। कहाँ चलती है? न्यायालयों में चलती है। ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इधर ऑफ द हाउस, फॉर्मूले में बताया था मैंने, किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। बताना पड़ता है महामहिम 14 दिन बाद आपको क्या हटा नहीं रहे, महाभियोग चला रहे हैं, 14 दिन बाद क्या आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। 14 दिन बाद क्या होता है, जिस सदन में, अच्छा, साथ में प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो 1/4 मैंने फॉर्मूले में बताया था, 1/4। अगर लोकसभा में शुरू हो रहा है तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी, 545 या 543/4, इतने साइन होने चाहिए उस पर, तब लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष फिर उस 14 दिन बाद क्या होगा, उस सदन में प्रक्रिया चलेगी। 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है, फिर दूसरे सदन में जाता है। तो पढ़ लेते हैं, यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया समस्त सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। अब वो राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा में मैंने कहा राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। क्या है? स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 जरूर याद कर लेना, 2/3 2/3 बहुमत से क्या स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद मुक्त समझा जाता है। राष्ट्रपति को हटना ही पड़ेगा। ठीक है, आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। अमेरिका में सुना होगा आपने, बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की केस था एक, है ना, मोनिका लेविंस्की केस ये था कि राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा था बिल क्लिंटन पर, बड़ा पॉपुलर राष्ट्रपति था, स्मार्ट था। अब क्या हुआ कि वो अमेरिका है, वहाँ की संस्कृति कुछ और है, हमारी संस्कृतियाँ माफ नहीं करती हैं, लेकिन वहाँ उसने सार्वजनिक रूप से क्या किया, टीवी पर माफ़ी मांग ली। वहाँ की जनता ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं, और मोनिका लेविंस्की केस क्या हो गया, तो महाभियोग नहीं लगा गया इस पर बिल क्लिंटन। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन। समझ में आया? हमारे यहाँ सरकारें बदल जाती हैं, करेक्टर पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। लवासना के आगे जब आप गेट पे एंटर करोगे तो वहां पर लिखा हुआ क्या, करेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू, शीलम परम भूषणम। इस पर ध्यान रखना है आप, इस पर ध्यान रखना है, शीलम परम भूषणम, करेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं वे भी भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, इलेक्ट करते हुए नहीं होते हैं वो, लेकिन हटाते हुए होते हैं, कौन, नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, यानी राज्यसभा के वो 12 लोग भाग लेंगे, ठीक है, 2/3 बहुमत में। ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते वे भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते। अब यहां से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि राष्ट्र कौन है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो भाग लेते हैं पर राष्ट्रपति को हटाते हुए भाग नहीं लेते। तो आंसर,
सारी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, इलेक्शन में लेते हैं, हटाते हुए नहीं लेते। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के भी उनसे भी नहीं पूछा जाता। तो यार जब तुम अंदर भेज रहे हो तब पूछ रहे हो उनसे, और जब बाहर मतलब कर रहे हो तो उस समय नहीं पूछ रहे हो, है ना। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मैं बता देता हूं, कौन है जो उल्टा क्वेश्चन हो गया। मैं अभी तक मैंने कहा कि कौन है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते, तब तो आपने बोलना है कि 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये इलेक्शन में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते पर महाभियोग में भाग लेते हैं। आंसर, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब लोकसभा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 331 खत्म हो गया, दो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट होते वो तो होते ही नहीं है, इसलिए अब लोकसभा नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर वो प्रक्रिया चल रही होती तो मैं लोकसभा के भी 331 वाले बोलता। मैं सिर्फ बोल रहा हूं 83 के वो 12 लोग जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में लब्ध, प्रतिष्ठित और ख्याति लब्ध होते हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे फंसाती है यूपीएससी, कैसे है इसी के अंदर। बस क्या होना चाहिए, आंखों में थोड़ा सा बारीकियां होनी चाहिए। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ भाई साहब कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए भी लिखा हुआ कि चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा? और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। ये नहीं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे, कहां द हेग नहीं जा सकते। साफ साफ लिख दिया 71 में कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसका निर्णय क्या होगा, उसका निश्चय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य या कोई घोषणा अवैध नहीं होगी। क्या नहीं होगी? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि माना कोई राष्ट्रपति, क्या ठीक है उसके इलेक्शन में धांधली हुई, माना वो राष्ट्रपति बन गया, अब विवाद उत्पन्न हो गया, विवाद होते होते 2 महीने हो गए, क्या हो गए, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय आते आते 3 महीने हो गए, तीसरा महीना खत्म हो गया। 3 महीने तक वो आदमी राष्ट्रपति बना रहा, क्या रहा, तीन महीने तक वो आदमी राष्ट्रपति बना रहा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं भाई, ये जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित है इसके इलेक्शन को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा, लेकिन 3 महीने तक जो भी उसने कार्य किए हैं वो विधि मान्य होंगे। क्या होंगे? अविधि मान्य नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, यानी उस पद पर क्योंकि वो 3 महीने बैठा है इसलिए या तो आप बोलेंगे विधि मान्य या बोलेंगे वैध होंगे। क्या होंगे? उसके सारे कार्य, उसकी सारी घोषणाएं क्या मानी जाएंगी? वैध। इवन हो सकता है कि उसने कोई अध्यादेश भी जारी किया होगा, वो भी वैध माना जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या माना जाएगा? ये नहीं बोला जाएगा कि अवैध, राष्ट्रपति का अवैध ऑर्डिनेंस। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा अनुच्छेद 71 में 4 जोड़कर, 71 में एक और जोड़ा, 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। अब मैं समझा देता हूं क्या होता था भाई। अभी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 28 राज्य हैं, कितने हैं और सांसद भी हैं लोकसभा राज्यसभा, है ना। माना भगवान ना करे, भगवान उन्हें लंबी आयु दे सांसदों को, ठीक है। माना मैं बोल रहा हूं कि 20-25 सांसद लोकसभा में मर जाते हैं और 20-25 सांसद राज्यसभा में मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती किन्हीं कारणों से, लगभग 50 सीटें खाली, कितनी, 50 सीटें खाली। और माना कि 28 राज्यों में से 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ,
क्या लगा हुआ, 356 लगा हुआ। तो क्या इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का? हाँ जी होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा और वो विधि मान्य, मतलब वो सही माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर उस इलेक्शन को चुनौती नहीं दे सकता न्यायालय में कि जी 50 लोग तो, 50 सांसद तो थे ही नहीं, और माना किसी पार्टी विशेष के हो वो सांसद, तो वो बोल सकती ना पार्टी कि भाई हमारे तो 20 सांसद तो हमारे लोकसभा से क्या हो गए थे, बुजुर्ग होकर क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी, और 20 सांसद या 30 सांसद हमारे राज्यसभा से क्या हो गए थे। माना, वैसे ऐसा ना हो, भगवान ना करे, पर मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी विशेष या कोई भी इसको इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता। या मैंने कहा माना 28 राज्यों में, 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, तब भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती राष्ट्रपति के इलेक्शन को कि जी निर्वाचक मंडल खाली है जी, क्योंकि पहले चुनौती दी गई। क्या किया गया? एक दो राज्यों में राष्ट्रपति शासन रहा होगा, चुनौती दे दी जी, दो राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन था, ऐसे कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 11वां संविधान संशोधन 1961। उसमें बोला गया कि आर्टिकल 71 में 4 जोड़ा गया, बोला गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं। अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। यह संशोधन डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 के मामले के पश्चात किया गया। क्लियर हो गया? ठीक। अब हमने पढ़ना है भाई राष्ट्रपति की शक्तियां, और राष्ट्रपति की शक्ति को मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा।